जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कि स्कूल में जाते हैं या फिर कॉलेज में जाते हैं या फिर सड़क पे भी या फिर खासकर शिक्षकों से सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री पहले कौन है, आप बताइए कि बिहार के अभी फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है, आप बताइए कि बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री कौन है, आप बताइए कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है। ऐसे दर्जनों सवाल रहते हैं उनके पास, और वहां पे जो भी लोग हो, चाहे वो एक छात्र हो, शिक्षक हो या कोई व्यक्ति हो, वो थोड़ा सा घबरा जाता है बिहार के संदर्भ में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्सर देखा गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसे वीडियोस, लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे उनकी गलतियां नहीं है, गलतियां उनकी है जो सरकार में, हर 5 साल पे सरकार बदलती तो एक बात होता, 5 साल तक चीजें याद रहती, लेकिन यहाँ पर साल, 1.5 साल या 2 साल में ही सरकार गिर जाती है और एक नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, लेकिन नीति सबके हैं, वो नहीं बदलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, करीब 17 साल से उसी पद पे बने हुए। आपको बता दें कि 17 साल में कितनी सरकारें आई गई, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे वही के वही हैं। आपको बता दें एक बार फिर से कि मुख्यमंत्री का पद नहीं खाली हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो मिनिस्टर्स अलॉटमेंट जो हुआ है वो जानेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से, जो भी आप लोगों को याद करके रखना होगा। हो सकता है कि आपके बिहार के किसी भी परीक्षा से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो चलिए हम उस पीडीएफ पे ले चलते हैं। वीडियो को एक छोटा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं ये वीडियो क्यों आपको दिखला रहा हूं, आगे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे भी, आप वहां से जाके सारी चीजें देख भी सकते हैं। ओके, तो आपको बता दें कि देखिए ये जो अपडेट है ये बिहार सरकार की तरफ से आई है और ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से अपडेट किया गया है। क्योंकि आप लोगों को एक चीज और याद रखना होगा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद अगर आप पढ़ेंगे 166 का खंड 3, यानी कि उपवर्ग है ये, ठीक है, अनुच्छेद 166 याद रखिएगा, इसके द्वारा प्रदत्त किया गया है किन शक्तियों को, तो उन शक्तियों को प्रदत्त किया गया है करते हुए या संविधान के अधीन बनी कार्यपालिका के नियमली, जो कि नियम 6 कहता है हमारा, 6 का खंड 1 और 7 का खंड 1 कहता है कि इसके अनुसार मुख्यमंत्री के पद पर आप शपथ ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 66 के खंड 3 में इसका वर्णन है और नियमली 6 के 1 में और 7 के 1 में उपवर्ग में इसका भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कि बिहार के सलाह से बिहार के राज्यपाल के सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय के आदेश आता है जिसका ओथ लिया जाता है, यानी कि एक शपथ लिया जाता है जिसके अनुसार यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री किसी राज्य का वो बन सकता है, यह हमारा संविधान कहता है। चलिए अब इसी नए अपडेट के साथ एक अपडेट और देना चाहेंगे कि बिहार में एक बार फिर से सरकार बनी है और ये सरकार भी महागठबंधन की तरह ही गठबंधन वाली सरकार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तो वही है, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल में किसको क्या मिला है ये जानने का हम कोशिश करते हैं। तो थोड़ा नीचे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पे अपडेट देने जा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिलहाल ये जो श्री सुमित कुमार सिंह है, ये इनको मिला है दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग विस्तार से देखिएगा जाकर कि ये है कौन, क्योंकि इन सबके बारे में आपको भी भाई नॉलेज होना चाहिए कौन है। तो ये भी एक पॉलिटिशियन के ही पुत्र है, जो कि क्रांतिकारी थे वो, उनके फादर है ना, तो वो है सुमित कुमार सिंह और ये भाजपा से शायद संबंधित है। चलिए इन सबके ऊपर सूचना बाद में दी जाएगी। संतोष कुमार सुमन, इनको तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे है ना, बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है इस बार की राजनीति में। संतोष कुमार सुमन जो है ये मांझी, यानी कि जीतन राम मांझी जी के पुत्र हैं, तो इनको भी मिला है 2 विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग। अब देखते हैं इनमें कितना डेवलपमेंट लेकर आते हैं इन लोगों के लिए। श्री श्रवण कुमार, आप लोग को बता दें कि अभी हाल के ही दिनों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे भाजपा के ऊपर, ये थोड़ा सा जो है ना तंग कस रहे थे उस समय, सरकार जो थी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इनको मिला है मंत्रिमंडल 3, इनको मिला है ग्राम विकास, समाज कल्याण और खाद और उपभोक्ता संरक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेम कुमार को तो आप लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर प्रेम कुमार जी को मिला है 5 मंत्रालय, सहकारिता, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के पूर्व, यानी कि इससे पहले कौन मंत्री थे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा।
बहुत फेमस व्यक्तित्व है वो भी, ठीक है, पर्यटन विभाग भी, और पर्यटन विभाग किसका था ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो अब मिल चुका है ये डॉक्टर प्रेम कुमार को, अब बताइए पांच पांच जो है मंत्रालय इनको सौंपा गया है, ठीक है, और सहकारिता विभाग, पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग और पर्यटन विभाग। अगला जो अपडेट है ये है डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद यादव, इनके ऊपर कयास लगाया जा रहा था कि ये अगले सीएम हो सकते हैं, जी हाँ अगले सीएम हो सकते हैं, लेकिन अभी मतलब भाजपा की तरफ से, लेकिन अभी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो है सम्राट चौधरी जी, उनके बारे में हम चर्चा आगे भी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद यादव जो है इनको भी पांच मंत्रालय दिया गया है, ऊर्जा विभाग, योजना और विकास विभाग, मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, और यहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी इनके जिम्मेवारी में है। अब अगला जो पोस्ट है यहाँ पे डॉक्टर सॉरी श्री विजय कुमार चौधरी जी, सबसे बड़ा सवाल था यही आप लोगों का कि सर शिक्षा मंत्री कौन बनेंगे, तो शिक्षा मंत्री बने हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इनको ये मंत्रालय मिला है विजय कुमार चौधरी जी को। अब मेरे ख्याल से तो ये जो मंत्रालय था शिक्षा मंत्रालय, ये एक मंत्रालय एक ही व्यक्ति को देना चाहिए था, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनको यही मंत्रालय, लेकिन इनको मिला है छह मंत्रालय, जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन और शिक्षा और सूचना और जनसंपर्क। अब आपको बता दें कि इनको हो सकता है कठिनाई, क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर अभी बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो बिहार में पॉलिटिकल मुद्दा भी गर्म है, छात्र भी गर्म है, क्योंकि छात्र भी चाह रहे हैं वैकेंसीज आए, लगातार बहालियां होती रहे, तो ये विभाग किसी एक मंत्री को देना चाहिए था और उनके अधीन ही ये सब कुछ होता उनके देखरेख में, लेकिन इनकी जिम्मेवारी में और पांच अलग से विभाग भी दिए गए हैं, तो उनका ध्यान थोड़ा कम जाएगा शिक्षा विभाग पे, मुझे जहां तक लगता है। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इनको छह मंत्रालय मिला है, जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और सूचना और जनसंपर्क। याद रखिएगा मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा क्यूज में, क्यूज आप लोग अटेंड किया करें यहाँ पर, जो कि रोज सुबह 11 बजे आपका क्यूज किया जाता है, तो क्यूज अटेंड जरूर किया करें, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्यूज करवाया जा रहा है। अब टॉप थ्री में देखिए कौन कौन लोग हैं, विजय कुमार सिन्हा जी हैं जो कि उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक, एक तो प्रभार है ही इनके पास, ये डिप्टी सीएम बिहार में इस बार दो बने हैं, एक तो हमारे विजय कुमार सिन्हा जी हैं और एक हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, ये दोनों को मंत्रालय मिला है उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बनने का, ये सौभाग्य इनको मिला है। लेकिन इनके साथ साथ देखिएगा जो भी अगर मैं बात करूं कृषि विभाग की, तो विजय कुमार सिन्हा जी संभालेंगे, पथ निर्माण भी विजय कुमार सिन्हा जी संभालेंगे, राजस्व और भूमि सुधार विभाग भी विजय कुमार सिन्हा जी संभालेंगे, गन्ना उद्योग भी विजय कुमार सिन्हा जी, खान और भूतत्व भी, श्रम संसाधन भी, कला संस्कृति और युवा विभाग और लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ये नौ विभाग जो है इनके जिम्मेवारी में, ठीक है, तो ये है विजय कुमार सिन्हा जी के अंतर्गत जो कि ये नौ विभाग है, कृषि को भी देखना है, पथ निर्माण, राजस्व भूमि सुधार विभाग, गन्ना उद्योग, खान और भूतत्व विभाग, श्रम संसाधन, कला संस्कृति और युवा विभाग, जल लघु और जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग, तो ये जो है जिम्मेवारी इनको दी गई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा ध्यान से देख लीजिएगा। सम्राट चौधरी जी को मिला है यहाँ पर एक तो उप मुख्यमंत्री का यहाँ पर अपडेट, फिर इनको भी नौ विभाग दिए गए हैं, ये नौ विभाग हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वित्त विभाग इनको फाइनेंशियल, क्योंकि ये हमेशा मुख्यमंत्री जी अपने पास रखते थे, वाणिज्य और कर विभाग यानी कि ये जो आपका कॉमर्शियल जो सेक्टर है हमारा बिहार का वो भी यही रखेंगे, नगर विकास और आवास विभाग भी इनको मिला है, स्वास्थ्य विभाग जो कि अक्सर जो है डिप्टी सीएम के पास रहता है, पिछली बार भी था यहाँ पे है ना, जो कि तेजस्वी यादव जी थे, खेल विभाग जो कि ये भी उनके अधीन ही था और ये अब सम्राट चौधरी जी संभालेंगे, पंचायती राज, उद्योग विभाग और पशु और मत्स्य संसाधन विभाग और विधि विभाग, विधि विभाग यानी कि लॉ ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये भी संभालेंगे कौन, तो सम्राट चौधरी जी संभालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे मुख्यमंत्री जी की बारी आती है, तो इनके पास मात्र पांच विभाग है, क्योंकि इनका थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो इसको लेकर इनको इन्होंने खुद ही ऐसा डिसाइड किया है या फिर जो भी अपडेट आ रहे वही मैं बता रहा हूँ आपको, तो सामान्य प्रशासन विभाग है इनके पास और गृह विभाग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है गृह विभाग जो है, क्योंकि इसके अधीन ही बिहार में जितने भी सिपाही, दरोगा या फिर कहें तो पुलिस विभाग में वैकेंसीज आती हैं इस विभाग के जरिए ही अपडेट की जाती है, तो शायद आप लोग के लिए अच्छा है कि इनके पास है ये।
लेकिन यहाँ पे और भी जो विभाग थे, ये दोनों विभाग भी इनके साथ रहने चाहिए थे, क्योंकि तो हमेशा रहता था। फिलहाल अभी जो मंत्रिमंडल ने डिसीजन लिया है उसके बारे में हम आपको बता दें कि नीतीश सबके हैं और सामान्य प्रशासन विभाग मिला है, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग, ऐसे सभी विभागों जो भी किसी को आवंटित अगर नहीं किया गया है वो नीतीश कुमार जी ही उसको देखेंगे। तो वैसे तो मुखिया यही है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जितने भी विभाग इन लोगों को बांटे गए हैं या दिए गए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इस पे भी इनका ध्यान रहेगा क्योंकि वो निगरानी विभाग के भी मंत्रालय के मंत्री हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जय हिंद।